तो चलिए आइए अब हम लोग आगे का पार्ट करते हैं 8.2.2 पार्ट 2 इन हिस्ट्री वी डॉट डॉट इन दिस ग्रेट ड्रामा। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं तो ये वाला सेक्शन आप हमारे आगे के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। हैव यू हर्ड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स इन इंडियाज इंडिपेंडेंस? क्या आप यह बात सुने हैं कि भारत की आज़ादी में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? Whose names comes to your mind when we speak of the leaders of India's struggle for independence? किन लोगों का नाम आपके दिमाग में आता है जब हम ये बात करते हैं कि भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी? Is Gandhi ji one of them? क्या गांधी जी उनमें से एक हैं? In this section, Pandit Nehru writes to his daughter to tell how Bapuji motivated the common man to become a part of the struggle for freedom. इस सेक्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को यह लिखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी जी बापू जी एक आम आदमी को प्रोत्साहित किए, मोटिवेट किए, ताकि वह इस भारत की आज़ादी के जो लड़ाई है, जो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है, उसमें हिस्सा ले पाए। ही स्पीक्स अबाउट हाउ कॉमन मैन एंड वेमेन ऑल्सो बिकम हीरोज वन दे फाइट फॉर अ कॉज। वह यह भी बोलते हैं कि किस तरह से एक आम आदमी, एक आम औरत एक हीरो बन जाते हैं जब वह किसी कारण के लिए लड़ते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन 8.2, विच टू फैक्टर्स मेक ऑर्डिनरी मैन हीरोज? ऐसा क्या दो फैक्टर है जो कि एक आम इंसान को हीरो बनाता है? द टू फैक्टर्स दैट मेक ऑर्डिनरी मैन हीरोज आर love and respect for the nation and second full faith in a great cause. तो पहला क्या है कि अपने देश के प्रति प्यार और इज्जत, और दूसरा जो कॉज है, जो काम किया जा रहा है उस पर पूर्ण विश्वास। Who according to Nehru has inspired millions of people to fight for freedom? जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार कौन लाखों लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए हिम्मत दिए, इंस्पायर किए? महात्मा गांधी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ इंडियंस टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी जी लाखों भारतीयों को भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इंस्पायर किए, प्रोत्साहित किए, प्रेरणा दिए। व्हाट डज द फ्रेज ग्रेट ड्रामा रेफर टू? ग्रेट ड्रामा जो फ्रेज यूज किया गया है इसका यहाँ पर क्या मतलब है? Great drama in the letter refers to the freedom struggle in which men, women and little children participated in great numbers to get freedom from the British. Great drama जो letter में word use किया गया है, ये phrase use किया गया है, ये आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से लोग सम्मिलित हुए थे, हिस्सा लिए थे, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो या बच्चे हों, और ये लोग किससे लड़ रहे थे? ब्रिटिश से। क्यों? ताकि उनको आज़ादी मिले। हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट इन योर लाइफ? आपको आपके जीवन में सबसे ज़्यादा किससे प्रेरणा मिलती है? व्हाट आर द क्वालिटीज दैट ही और शी हैज दैट यू एडमायर द मोस्ट? उनका ऐसा क्या क्वालिटी है जो इससे आप बहुत एडमायर होते हैं? व्हाई डू यू एडमायर दिस पर्सन? आप उस व्यक्ति को क्यों एडमायर करते हैं? अब देखिए, एडमायर का मतलब क्या होता है जी? एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी का तारीफ करना या किसी पसंद करना। महात्मा गांधी इंस्पायर्स मी द मोस्ट। आई एडमायर हिज करेज, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस एंड हिज कमिटमेंट टू द नेशन। महात्मा गांधी हमको बहुत प्रेरणा देते हैं, उनका हिम्मत, उनका सच्चाई बोलने का आदत, वो नॉन वायलेंस थे, वो अहिंसावादी थे, और वो अपने देश के लिए उनका कमिटमेंट, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, और यही एक चीज़ है जिसके वजह से मैं दिल से महात्मा गांधी जी को पसंद करता हूँ। चलिए आइए अब हम लोग आगे करते हैं। लेट अस डू 8.2। वी ऑल नो दैट इंडिया हैड टू स्ट्रगल वेरी हार्ड इन इट्स फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। हम लोग को सबको पता है कि भारत अपनी आज़ादी के लड़ाई के लिए बहुत लड़ा था, और बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी वो। Many great leaders made a lot of sacrifices. हमारे बहुत से बड़े नेता थे जिन्होंने बहुत ही sacrifice किया। Quite a number of movements were carried out during that time.
उस समय बहुत सारे मूवमेंट्स चले। गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ सम मूवमेंट्स फ्रॉम वेरियस कॉजेज। अब नीचे जो दिए हुए हैं वो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो कि अलग अलग कॉज के लिए था। टेक द वन दैट आर रिलेटेड टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब इसमें आपको जो जो लग रहा है कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल के लिए है उसको आपको टेक करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, नमक आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नर्मदा, बचाओ आंदोलन, सत्याग्रह, जेल भरो मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज भारत का जो फ्रीडम का स्ट्रगल है, भारत की आज़ादी की जो लड़ाई है उस दौरान हुआ था। मूवमेंट्स रिलेटेड टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल्स आर नमक आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जेल भरो मूवमेंट, सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्या क्या, देखिए ये जो मूवमेंट है ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ये उस समय का नहीं है, चिपको मूवमेंट ये भी उस समय का नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ पा रहे हैं कि कैसे आपको आंसर करना है। चलिए अब हम लोग डू यू नो पोर्शन करते हैं। अ पोस्ट इंडिपेंडेंस हीरो। अब आज़ादी की लड़ाई हो जाने के बाद के जो हीरो थे, ठीक है, कैप्टन सौरव कालिया। अब उनके बारे में बताया गया है, कैप्टन सौरव कालिया ऑफ फोर जाट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी सैक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द नेशन। कैप्टन सौरव कालिया वो कहाँ, इंडियन आर्मी के कौन से पोस्ट में थे, फोर्थ जाट रेजिमेंट। इंडियन आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, उसके जो फोर्थ जाट रेजिमेंट में वो थे कैप्टन सौरव कालिया, और उन्होंने भारत के लिए, अपने देश के लिए बलिदान दिया। क्या चीज़ का बलिदान, अपने जीवन का बलिदान। He was the first officer to detect and inform about Pakistani intrusion in Kalgar area while patrolling in early May 1999. वह पहले ऑफिसर थे जो कि ये चीज़ देख पाए थे, इस चीज़ को डिटेक्ट किए थे और इन्फॉर्म किए थे कि पाकिस्तान कारगिल के रास्ते से भारत में दखल दे रहा है, इंट्रूशन कर रहा है। अब देखिए याद रखिएगा, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा वो वर्ड आप पूछिएगा, ठीक है। इंट्रूशन का मतलब घुसपैठ होता है। कैप्टन कालिया एंड हिज पेट्रोल वर कैप्चर्ड अलाइव ऑन 15 मई 1999 फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। कैप्टन कालिया और उनका जो पेट्रोल था वो 15 मई 1999 को इंडिया का जो साइड है, एलओसी जो लाइन है वो एक साइड इंडिया है, ठीक है, और एक साइड पाकिस्तान है। तो इंडिया के साइड में उनको पकड़ा गया था। हिज पेरेंट्स आर्मी एंड नेशन आर प्राउड ऑफ हिज पेट्रियोटिज्म डिटर्मिनेशन एंड वैलर। उनके माता पिता, उनके आर्मी के जो लोग थे जो, और हमारा पूरा देश उनके ऊपर गर्व करता है कि वह कितने अच्छे देश प्रेमी थे, वो अपने काम को लेके कितने डिटरमाइन थे, और वो कितने वीर थे, और वो कितने साहसी थे।